सबका रोल है। सो अंकित आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपका इलेक्शन हुआ, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और साथ ही साथ कितना शॉकिंग रहा आपके लिए? एक्चुअली थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार इविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था, और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो हम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। So, घर वालों के साथ आप रह रहे थे, कौन सा ऐसा लगा कि अनफेयर, किस तरीके से आपको लगा, जिस तरीके से बिग बॉस ने खेला है, क्या वो बिग बॉस अनफेयर लगे या फिर घर वाले जितने कंटेस्टेंट हैं, कौन सबसे ज्यादा अनफेयर लगा? मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के इविक्शन घर वालों के हाथ में। जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा था कि बिग बॉस खेलेंगे और बिग बॉस ने ऐसा खेला, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था? ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में इविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। जिस तरीके से वोटिंग हुई, किसका आपको लगा कि अनफेयर हुआ या फिर किसको आप समझ रहे थे कि वो दोस्त है और वो आपको ये नॉमिनेट कर दिए? मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था, सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तूतू में हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था, कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। जिस तरीके से प्रियंका के साथ बॉन्ड है, उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ऑडियंस को तो ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप किस तरीके से ये बॉन्ड को एक्सप्लेन करना? आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो, किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है? दो साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अभी सोच लो अपने आप जो भी सोचना है। लेकिन आपकी तरफ से तो दोस्ती दिखाई दे रही, लेकिन प्रियंका की तरफ से तो दोस्ती नहीं दिखाई दी इनसाइड द बिग बॉस हाउस, और लेकिन काफी उन्होंने आपको परेशान भी किया दिखाई दे रहा था इनसाइड द बिग बॉस, ऐसा लग रहा था कि वो आपके ऊपर काफी हावी रही है, अगर आपके देखा जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इट्स लुक लाइक अ टॉर्चरिंग, वो आपको टॉर्चर कर रही थी, ये ऐसा आपको लगता है ना, क्योंकि आप दिन में एक घंटा देखते हैं, आप 24 घंटे साथ नहीं होते, ऐसा आपको लगता है? नहीं, लेकिन जिस तरह से भी हुई, मतलब आप जब काफी नाराज भी हुए, आप चिल्लाए भी आपने कहीं, क्या आप अपने दोस्त से कभी लड़े नहीं हो? आप लड़े हो ना अपने दोस्त से, हर दोस्ती में, हर रिलेशनशिप में, इनफैक्ट माँ बेटे हो या माँ बेटी के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, हर रिश्ते में होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपकी, अगर आप बीमार पड़े हो और आपकी मॉम आपको बोल रही है कि बेटा आज आप रेस्ट करो, आप नहीं बाहर जाओगे, तो क्या वो डोमिनेशन है? क्या वो टॉर्चर है? वो केयर है। अगर अगर आपके ही फ्रेंड साजिश हो कि उन्होंने भी आपको कई बार बोला कि शी डू ओवर द बोर्ड, आपके सामने खुद उन्होंने बोला, उस पर मतलब घर के लोग खुद कह रहे, मैं तो चलो 24 आवर्स में नहीं था, मैं तो सिर्फ एक घंटे का एपिसोड देखता हूँ, लेकिन 24 आवर्स के अंदर जो साजिद हो, ऋषि हो, हर वही जो घर के लोग हैं, अर्चन, वो भी कई सारे लोग बोलते थे कि ओवर द बोर्ड। अगर उन लोगों को हमारी दोस्ती इतनी समझ आती तो वो प्रियंका से डर के अपनी मंडली को पलटन नहीं बनाते और हम दोनों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि वो लोगों को, उन लोगों को दिख रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के कितने बड़े सपोर्टर्स हैं और एक दूसरे के लिए प्लस है। आप, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मतलब आपको, मतलब हर वक्त मतलब बोलते रहो, एक्सप्लेनेशन। देखो क्या होता है, जिन लोगों की दोस्ती फायदे के लिए होती है उन लोगों को दूसरों की दोस्ती समझ नहीं आएगी। मैं जानना चाहूंगी बेस्ट मोमेंट क्या कुछ रहा है प्रियंका के साथ आपका? बेस्ट मोमेंट जब घर से चिट्ठी आने वाला टास्क था और प्रियंका को वो चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिला था और मैंने उसके लिए एक ऐसी चिट्ठी पढ़ी थी, तो आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट था। प्रियंका के अलावा और किसे आप ये ट्रस्ट करते थे और हमेशा उनके साथ बॉन्ड बनाकर रखना चाहेंगे? साजिद सर,
उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मुझसे भी जितना बन पड़ा मैंने किया उनके लिए, और हमारी दोस्ती जो भी हुई वो किसी गेम की वजह से नहीं हुई, वो दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हुई। उनको भी सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे भी सिनेमा बहुत पसंद है, तो हमारी बातें भी ऐसी सिनेमा से ही शुरू हुई। एंड प्रियंका के अलावा सिर्फ साजिद सर हैं जिनके साथ मैं घर के बाहर भी दोस्ती रखना चाहूँगा। घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लग रहे हैं? प्रियंका। प्रियंका के अलावा अगर बात की जाए तो उनके बाद कौन लग रहे हैं? मैं कैसे बोलूँ कि उसके अलावा कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सब तो ग्रुप में खेल रहे हैं, ग्रुप में किसकी इंडिविजुअलिटी निकल के आएगी, किसकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी? एक इंसान नहीं है घर में जो ग्रुप में नहीं खेल रहा। छः लोगों की मंडली थी, उसमें से मैं और प्रियंका अलग थे, सौंदर्या अर्चना वो लोग अलग थे, लेकिन हम दोनों को टारगेट करने के लिए वो भी मंडली में जाके मिल गए और पलटन बनाई। तो आप किसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे? आपके एलिमिनेशन के बाद प्रियंका का क्या कुछ होगा टेक, या फिर किस तरीके से उनका गेम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो वीक होते नजर आएगा या फिर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आपका क्या कुछ इसमें होगा? मुझे लगता है कि आप प्रियंका बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो अब घायल शेरनी बन गई है और पूरे घर को सर पे उठा लेगी और उसको पूरे घर वाले मिल के संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी जो मंडली की अगर हम बात करें, शिव ठाकरे हो या निमृत हो, निमृत कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, क्या ये गेम के लिए साजिद सर को, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने आप कह रहे कि साजिद आपके दोस्त थे, लेकिन साजिद और निमृत का जो एक टास्क था जहाँ पर आप लगातार आपने उनको नॉमिने कहा भी कि निमृत इस तरह से गलत कर दी कि साजिद सर को रोक दे, लेकिन वो दोनों के प्लान था वो, अगर आप जान लो भगवान का नाम लेके जो कुछ लिया था उन्होंने, वो सब प्लान था। तो कहीं ना कहीं निमृत हो साजिद हो जो मंडली है अपने बेनिफिट्स के लिए ही खेल रहे थे, लेकिन आप वो उस प्लान के बारे में ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि साजिद सर एक्चुअली में जाना चाहते हैं उस टास्क के लिए और अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, और वही एक रीज़न था कि उस टाइम पे मैं साजिद सर के लिए खड़ा हुआ था और मैंने बोला था कि साजिद सर को जाने दो, और इसी बात पे मैंने बोला था कि जिस इंसान के लिए आप हमेशा साजिद सर करते रहते हो, आप लो हो या खुश हो या कुछ हो, आपको साजिद सर चाहिए। तो जब एक इंसान वो इंसान आपसे बोल रहा है कि मुझे इस टास्क में इन्वॉल्व होना है, आप उस इंसान को रोक रहे हो, उसको गेम नहीं खेलने दे रहे हो उसका, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो दोस्ती है कन्वीनियंस की दोस्ती है, फ़ायदे की दोस्ती है। अगर वो नहीं भी होता, अब अगर प्लान भी है तो भी शिव और निमृत की दोस्ती साजिद सर के साथ क्लियरली दिखती है कि ये फ़ायदे की दोस्ती है, क्योंकि निमृत पहले गौतम और शालीन वाले ग्रुप में थी जहाँ पे उन्हें सपोर्ट चाहिए था, आगे बढ़ना था। जब उनकी गौतम से अनबन हुई, जब सौंदर्या उस ग्रुप में आ गई, तो वो जाके शिव के साथ मिल गई, क्योंकि आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो इंडिविजुअल नहीं खेल सकती हैं और उनको सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है आपके लिए, हमारे लिए और साथ ही साथ फैंस के लिए। जानना चाहूँगी आपकी जगह किसको आप एलिमिनेट देखना चाहते थे या फिर होना चाहिए, कौन डिजर्विंग था? सुम्बुल, निमृत, MC स्टैन, बट क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट है और पूरे ग्रुप ने मिलके हमें टारगेट किया है, तो इसलिए वो नॉमिनेशन में भी नहीं आए। सुम्बुल हो या शालीन हो, ये तीन जो एंगल चले, टीना का लव स्टोरी जो चला, फेक भी चला, क्या लग रहा है आपको इन तीनों के बारे में? सुम्बुल भी काफ़ी ड्रामा ड्रामेटिक हो गई थी अंदर, आप क्या लेना चाहोगे? जब अर्चना को भी जब आउट हुई थी तो वहाँ पे वो चिल्लाना शुरू कर दिया, एंड साजिद सर भी काफ़ी प्रोवोक कर रहे थे कि निकलो, इनको इसको मारो, निकल। तो हाउ यू सी द ये तीन जो तीन मंडली थी, ये फेक लव स्टोरी चली अंदर? मुझे ऐसा नहीं लगा कि सुम्बुल और शालीन की कोई लव स्टोरी थी, क्योंकि सुम्बुल के साथ मैंने काफ़ी बातें की है, मेरा उनके साथ अच्छा बॉन्ड भी था, तो मैंने उन्हें जितना समझा है वो एज अ पर्सन है ऐसी कि वो अपने दोस्तों को गले लगाएंगी, उनके लिए कुछ चीज़ें करेंगी, उनका काम करेंगी। वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा गलत लगा, और एक एपिसोड में सलमान सर ने भी आके बोला था कि मैंने सुम्बुल की पुरानी वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुम्बुल ऐसी ही है जिसको लोगों ने गलत लिया, तो ऐसा कोई लव एंगल था नहीं। जिस तरीके से ये पब्लिक जो है बिग बॉस की और आपकी जो फैंडम है वो ट्विटर पे ट्रेन करवा रहे हैं कि नो अंकित नो बिग बॉस, इसको पर आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, एक क्वेश्चन मेरा ओके, इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि कुछ ऐसा बड़ा ट्रेंड चल रहा है और कुछ 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं उस पर, विच इज़ ओवरवेलमिंग फॉर मी। और एक्चुअली वे मेरे पास इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ओके, जो अर्चना है, अर्चना की अगर हम बात करें, क्या लगता है अर्चना जो हर जगह पे अपनी फाइट करती है, चिल्लाती है, लेकिन कम्फर्ट भी है, मतलब जो है सबके मुँह में बोले, जो नॉमिनेशन का भी अगर हम बात करें, हर बार नॉमिनेशन का सही जो होता है आंसर, मतलब जो देना रहता है प्रॉपरली वो ही दे पाती हूँ, मतलब कभी गलत नहीं बोलती है, चाहे उसकी आपकी बात पसंद ना आए, चाहे आपकी उसका एटीट्यूड पसंद ना आए, ना उसकी आवाज़ पसंद आए, लेकिन जो आंसर देना होता है वो सही उस पर आप लगे, क्योंकि वो गेम में इतनी इन्वॉल्व है और सिर्फ गेम के साथ ही लॉयल है, इसीलिए वो इतना सही जवाब दे पाती हैं। और बात ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही बोलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बहुत झूठ बोलती है, बहुत लोगों में झूठ बोल के लड़ाइयाँ भी लगवाती हैं और लड़ाई लगवा के वो निकल जाती हैं आप और इन्जॉय करती हैं। ओके, थैंक यू। एक आखिरी सवाल, जो मंडली थी जो बार बार साजिद सर को साजिद सर के लिए, मतलब बार बार जो भी गलत नहीं होता है वो बोलते थे, देखो एक जो पर्सन है अर्चना ने ही मतलब आवाज़ उठाई थी कि हाँ ये मंडली है, ये क्या लगता है कि इतने क्यों दबे हुए थे बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट, इतने क्यों दबे हुए थे कि साजिद के खिलाफ बोलना, मतलब पहली बात तो ऐसा नहीं, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने आवाज़ उठाई थी, प्रियंका ने उन्हें बहुत बार बोला है, प्रियंका ने उन्हें बहुत बार बोला है, कुछ टाइम मैंने भी उन्हें जाके बोला है सर यहाँ पे आप गलत थे, इसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, दोस्ती अपनी जगह है। और अर्चना का जो कई बार क्या होता है, वो बोलती सही है लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है ना, वो इतनी ख़राब हो जाती है और वो इतना गलत बोल जाती हैं जिसकी वजह से उनके सही मुद्दे भी गलत पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यही बोलना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने साजिद सर को उनकी गलत चीज़ों के लिए गलत बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है। ओके, प्रियंका ट्रॉफी जीतने वाली है तो सबको पता ही है, लेकिन इसके अलावा दो कौन हो कंटेस्टेंट होने वाले वो आप बता दें। प्रियंका के अलावा कोई नहीं जीतने वाला। लेकिन टॉप थ्री, मतलब टॉप थ्री में आई थिंक शिव और साजिद सर होंगे, क्योंकि वो ग्रुप का एक पार्ट है तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहेंगे आगे तक। थैंक यू सर। आज नहीं मौजूद हूँ इसी लवली ऑफिस में। वो माइक पे मार्किंग